के अधिकारी मौजूद रहे। जनवरी 2021 में आने वाली पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की किताब में कई बड़े दावे किए गए हैं। जो पब्लिकेशन हाउस उनकी किताब छापता है, उसने किताब के कुछ पन्ने ट्वीट कर दावा किया कि प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जिम्मेदार बताया गया। ये दावा भी किया गया कि किताब में प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना फोकस खो दिया था। एक तरफ सोनिया गांधी पार्टी के मामले संभाल नहीं पा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के संसद से लगातार नदारद रहने से सांसदों से उनका सीधा संपर्क टूट गया था। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि कई पार्टी के नेता ये मानते थे कि अगर 2004 में वो पीएम बन गए होते तो 2014 में इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि वो खुद ऐसा नहीं मानते। प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल के दौरान काम करने वाले दोनों पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना भी अपनी किताब में की है। प्रणब लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ज्यादा वक्त उनके कार्यकाल के दौरान यूपीए गठबंधन को बचाने में ही निकल गया, जिसका बुरा असर प्रशासन पर पड़ा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान